मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधरथा अग्रवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आएगा। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, लेसन 3 जिसका नाम है द ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट। लेसन का नाम क्या है? द ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट, इट मींस अतीत की झलकियां। इसका पार्ट 3 तीसरा खंड मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स, पीसेंट्स किसान, डिस्पेरेट निराश, रिवेलियन प्रतिद्वंदी या शत्रु, डिसकंटेंट असंतुष्टि, पिटियंस ये होता है कम वेतन, प्रोमोशंस पदोन्नत, एबोलिश मीन्स मिटाना, कस्टम्स प्रथा परंपरा, रेजिमेंट टुकड़ी, ह्यूमिलिएटेड अपमानित, ग्रीस मीन्स चर्बी, पेट्रियट्स देशभक्त, रिवॉल्ट विद्रोह, बोलिएंट मीन्स हिंसक, एम्परर मीन्स सम्राट, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, किंगडम मीन्स राज, फॉरेनर्स मीन्स विदेशी, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, बुलेट मीन्स गोली, लीडर्स मीन्स नेता, रिस्ट मीन्स कलाई, पाउंड झपटे, फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन। ये इस पार्ट की वर्ड्स मीनिंग्स है। पार्ट 3 में इस लेसन की 3 झलकियां आपको बताने जा रहा हूं, 7, 8 और 9। 3 झलकियां हैं। 7वीं झलकी में आपको बताया है स्पार्क्स चमक, 8वें नंबर पर रिवॉल्ट विद्रोह और 9वें नंबर पर अंत में दिया है द फाइट फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लड़ाई। ये 3 बिंदु है। अब मैं इस पाठ का अर्थ प्रारंभ करूं उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें ताकि अर्थ बताते समय आप पाठ्य पुस्तक में देख सकें। साथ ही मेरे इन वीडियो का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अर्थ बताते हैं। सबसे पहले स्पार्क्स 1855 से 57 ये 2 वर्ष तक का था। चमक तलवारों के द्वारा चमक, तो इसमें द टैक्सेस कंटिन्यूड टू रुइन द पीसेंट्स, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रुइन द पीसेंट्स यानी किसानों को बर्बाद करने के लिए निरंतर टैक्स लगना जारी रहा। यह अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर अनेक प्रकार के टैक्स लगाए। इन बंगाल द संथाल, बंगाल के अंदर संथाल जो जनजाति थी, हु हैड लॉस्ट दियर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, संथाल जिन्होंने नए नियमों के अंतर्गत अपने जमीन को जिन्होंने खो दिया था, बिकेम डिस्परेट वो निराश हो गए। इन 1855 दे रोज इन रिवेलियन, उनमें प्रतिद्वंदिता जागृत हो गई, द्वेषता की भावना, अंग्रेजों के प्रति द्वेषता की भावना जागृत हुई, एंड मैसेक्रीड यूरोपियंस एंड दियर सुपीरियर्स एलाइकर, और उन्होंने यूरोप के निवासियों का नरसंहार किया और उनके जो सहयोगी थे उनको भी उन्होंने धराशायी किया। डिसकंटेंट वाज ब्रोइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतुष्टि जागृत हो गई, वहां के लोग भी असंतुष्ट हो गए। द वाइट सोल्जर गेट्स हग पे, अंग्रेज सैनिक ज्यादा वेतन प्राप्त करते हैं,
मेसन मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स, जबकि मेंशन टू लिव इन सर्वेंट जो नौकरों में रहते हैं। वाइल वी गेट पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें कम वेतन और कम पदोन्नति मिलती है, जब अंग्रेजों को क्या है अच्छा वेतन मिलता है और शीघ्र पदोन्नति भी होती है। The अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज हमें समुद्र पार करने के लिए कहते हैं, विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, वह टोपी वाला कौन है जो हमारी पुरानी परंपराओं को मिटाने की बात करता है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को अवश्य ही बाहर निकालना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सक्यूटेड, वो उसकी टुकड़ी पर आक्रमण करता है, उसे मृत्युदंड दिया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही, हजारों दूसरे सैनिक विद्रोह करते हैं। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर यूनिफॉर्म, और वे अपने यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन, उन्हें अपमानित किया जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फ्यू इंग्लिश मीन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड, कुछ अंग्रेज लोग ऐसे थे भारतीय परंपराओं और लोगों के मस्तिष्क की बात को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे घमंडी ब्राह्मण सैनिक, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जो तुम काटते थे उन बुलेट्स पर किसकी चर्बी थी, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो सुअर और गाय की चर्बी से बने होते, वे कारतूस जिन्हें तुम यूज करते हो वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अंग्रेजों ने हमें बहुत धोखा दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेजेज टू विलेजेज, चपाती रोटियां भेजी गई टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट दियर एम्परर वुड वांट दियर सर्विस, उनका सम्राट उनकी सेवा करना चाहता था। रोटियां भिजवाई गई, यस ऑल माई विलेज मीन विल बी रेडी, हाँ हमारे सभी गांव के लोग इसके तैयार होंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्क्यूलेटेड अमोंग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों के मध्य कमल का फूल खिलने लगा। डेथ टू द फॉरेनर्स, विदेशियों की मृत्यु। द मासेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, यहाँ की जनता यहाँ के देशभक्तों को शरण प्रदान करेगी। इस प्रकार से विद्रोह भावना उत्पन्न हुई, रिवॉल्ट। अब विद्रोह किस प्रकार से हुआ, देन देयर वाज ए बॉयलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में हिंसक आंदोलन प्रारंभ हुआ, हिंसा भड़क गई। क्या हुआ मेरठ में, द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, हमारा सम्राट बहादुर शाह अमर रहे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो दुश्मन थे चारों तरफ फैल गए, स्प्रेड वाइडर में चारों तरफ फैल गए दूर दूर। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट दियर लैंड्स, अनेक जमींदारों ने अपनी जमीन को खो दिया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट दियर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज,
अंग्रेजी नीतियों के कारण अनेक जमींदारों ने अपने जमीनों को खो दिया। एंड दे वर सोर, और उन्होंने कसम खाई, प्रतिज्ञा की, द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेजी शासन समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब आगे आता लास्ट, फाइट फॉर फ्रीडम, किस प्रकार से 1857 का संघर्ष प्रारंभ रहा। मेनी फॉर्मल रूलर्स, अनेक पूर्व शासक, फॉर्मल रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। लखनऊ की शासक बेगम हजरत महल, वो भी उससे रुष्ट थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, अंग्रेज मेरे राज्य को ले चुके हैं, छीन चुके हैं, अंग्रेजों ने मेरे राज्य को छीन लिया, ये बेगम हजरत महल ने कहा। दे ज्वाइंट द अफसर अगेंस्ट द फॉरेनर, और विदेशों के विरुद्ध संघर्ष को उन्होंने ज्वाइन किया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहम अब्दुल्ला ऑफ फिरोजाबाद के मौलवी अहम अब्दुल्ला टोल्ड द पीपुल, लोगों को बताया, राइज ब्रदर्स, उठो भैयाओ उठो, राइज द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उठो। द पीपुल रोज एवरीवेयर, सब जगह लोग खड़े हो गए, इन बार्ली कानपुर एंड इलाहाबाद, सब जगह पर लोग इस विद्रोह के लिए खड़े हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तांता टोपे, अजीमुल्ला खान ने तांता टोपे को बताया, अजीमुल्ला खान ने तांता टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमें पेशवा नाना साहब को हमारा नेता चुनना चाहिए। हमारा लीडर कौन रहेगा, पेशवा नाना साहब। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, देशभक्त अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़े, झपट पड़े, एंड फोर्ट पिस्ट बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और पूरे उत्तर भारत में युद्ध लड़ने लगी। 80 ईयर्स ओल्ड कानपुर कंवर सिंह, 80 वर्ष का कंवर सिंह था, ऑफ बिहार, रिसीव्ड ए बुलेट इन रिस्ट, उसके हाथ के कलाई में गोली लगी, बिहार से का कंवर सिंह। मदर गंगा, गंगा माँ, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यह मेरा अंतिम प्रणाम है, ये कंवर सिंह ने कहा, और देश के लिए शहीद हो गए। ये इस प्रकार से ग्लिम्सेज ऑफ पास्ट पार्ट थर्ड की 3 झलकियां थी। इतिहास के बारे में बताया था किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, लोगों को दबाया और उन्हें अपना गुलाम बनाया, लेकिन अंत में जाके अंग्रेज पराजित हुए और 15 अगस्त 1947 को उन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।